उपचुनाव को लेकर बसपा ने कसी कमर। अयोध्या में बीजेपी का प्लान बिगाड़ेंगी बहन जी। प्रभुराम की नगरी में अखिलेश की हार पक्की। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने बना लिया है मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अक्सर उपचुनाव से दूर रहने वाली बहन जी ने इस बार 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए पार्टी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख विश्वनाथ पाल ने इन सीटों पर जीत का बड़ा दावा किया है। यूपी बहुजन समाज पार्टी के चीफ विश्वनाथ पाल ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए बसपा तैयार है। पार्टी प्रमुख मायावती की रणनीति पर चलकर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बसपा ने पहले भी यूपी की सभी सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब विश्वनाथ पाल के बड़े दावे ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में चुनाव में सभी की सभी सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी सीटों के प्रभारियों से संभावित मजबूत उम्मीदवारों की सूची मांगी है, लेकिन बसपा के लिए ये राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों पर बसपा की स्थिति अच्छी नहीं है। उपचुनाव को लेकर यूपी की लड़ाई बहुत दिलचस्प बनी हुई है। इस बार बसपा चुनाव में अकेले ताल ठोक रही है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति ने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की नींद उड़ा रखी है। यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ फिर मैदान में होंगे और दोनों लड़के फिर से जादू चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार भी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ अकेले ताल ठोकने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उसमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामोई, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कठेरी, खैर और मीरापुर सीट शामिल है। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई, जबकि एक सीट सीसामोई सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा मिलने की वजह से खाली। इरफान सोलंकी की सजा पर अगर स्टे लग जाता है तो इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सबके बीच अयोध्या में सबकी नजरें हैं, क्योंकि बीजेपी खोई हुई जमीन वापस चाहती है, तो अखिलेश के लिए अयोध्या कांड गले की फांस बन गई है। इसमें बसपा बाजी मारने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।